हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के साथ आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, अपनों का ध्यान दीजिए और अपनों को बहुत सारे प्यार दीजिए। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे पीछे हैं मम्मी, पापा लेटे हुए हैं और मैं ब्रश करके आज मैं किचन में आई हूँ। सीधा आज मैं ब्रश करके किचन में आ गई हूँ और आते ही मैंने क्या बनाया है, आपकी मेरी चाय। चलिए देखिए, देखिए आपकी मेरी चाय, मस्त अदरक वाली चाय। हल्का सा अदरक डाल दिया है मैंने, क्योंकि अब ना ठंडी थोड़ा थोड़ा कम हो रही है तो अदरक थोड़ा कम खाना चाहिए। यहाँ पे सुबह का क्या कहते हैं चाय पिया जा रहा है, चाय मस्त वाली। बिस्किट, भुजिया, चाय, सुबह सुबह थोड़ा सा मुंह में डालने से अच्छा लगता है, फिर नाश्ता वास्ता करते रहेंगे। यहाँ पे लड्डू उठ गया है, ये रहा मेरा लड्डू। ओले, हाँ लड्डू लड्डू लड्डू, नींद आ रही है मेरा सोना, किधर है मम्मी? इसको सुबह से लेकर शाम तक खिलाती रहती है। आज दादाजी चले जाएंगे, दादा मन लगेगा? ना ना, मन लगी बिल्कुल ना। किसके बिना? नाती के बिना या फिर अपना उनके बिना, मेहरारू के, मम्मी के बिना? बाबू बाबू के बिना। हाँ, और इनके पापा उठ गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे थे, ऑफिस का काम चल रहा था, ये रहा काम यहाँ पे चल रहा था इनका, फिर बाहर भी काम कर रहे हैं और मैं थोड़ा बेडशीट वेडशीट चेंज कर रही हूँ। ये रहे, यहाँ पे भी काम चल रहा है इनका। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ ये तो अच्छे रहते, तुम बताओ तुम कैसे हो? फर्स्ट क्लास। आज भी काम करोगे? हाँ। अच्छा ये बताओ आज क्या डे है? बोलो बोलो आज क्या डे है? किस डे है? तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? हैप्पी किस डे, आज किस डे है गाइस? आप लोग भी अपने अपने कपल्स को प्यार दीजिए, अपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए, जैसे हमारे लड्डू करते हैं, गोलू बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को हर चीज़ में। अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो समझाते हैं बहुत प्यार से, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है समझने पर, समझ में आ जाता है। और ऐसे ही होता है, परिवार को लेके चलना है, साथ में हमें सोचना है। अब तो 2 से 3 हो गए हैं तो उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो गाइस हमारा वैलेंटाइन वही है, हमारा बेटा वही है, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ वही है। हम उसको देख के ही खुश होते हैं और उसको देख के ही रोते हैं। अगर वो थोड़ा सा परेशान रहता तो हम दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। यही होता है पेरेंट्स, क्योंकि ये जो पेरेंट्स का जो अनुभव है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा। और हमें तो बहुत खुशी महसूस होती है कि हम एक पेरेंट्स है ना, बोली है ना, हमें बहुत खुशी होती है। तो हम मन में लगता है कि हम और कुछ करें और कुछ करें और कुछ करें, ताकि मेरा बेटा, मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, खुश रहे और उसको वो सब चीज़ मिले जो हमने, जो हमें ना मिला, नहीं मिला। तो हमें इतनी मेहनत करे हैं, मेहनत करके भी वो चीज़ नहीं मिल पाता है तो हमें लगता है कि हाँ भाई हमें पता नहीं कहाँ पे कमी हो गई, क्या चीज़ में कमी हो, ये सोचते। पर ये चीज़ मेरे बच्चे को ना मिले, है कि नहीं, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको भी। सब कुछ हाथ में पहले से देना नहीं है, ये हमने सोच लिया है, स्ट्रगल उसको भी करना है। स्ट्रगल करने के बाद जो कामयाबी मिलती है वो सबसे अच्छा होता है, वो सबकी आशीर्वाद से होती है। और उसको सब कोई उसको सराहाते हैं कि हाँ भाई फलना का बेटा या फलना का नाती या देखो उनका बेटा कितना आगे बढ़ा है, ये चीज़ सुनने में आना चाहिए। ये ना बोले कि पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, है ना गोलू? ऐसा होना चाहिए। तो गाइस मैंने बहुत पका दिया, चलिए मेरा बहुत सारा काम पड़ा है।
इसको इंजेक्शन लगा पता तभी चल रहा है, तब भी हंस रहा है ये देखो। हम गए थे डॉक्टर के पास, इसकी वैक्सीन थी, कुछ चेकअप भी होता है रेगुलर, वो सब करवा के हम लोग आ गए। आके फिर मैंने खाना वाना बना लिया है, अब पापा मम्मी खाना खाने बैठ रहे हैं, और ये देखो इसको लग रहा है ये लड़का वैक्सीन लगा के आया है। पेनलेस है ना, पेनलेस है इसलिए देखिए पूरा, ये देखो, ये देखो, अगर यही सरकारी वाले में लगवाते ना तो पेन होता है इसको, बहुत पेन होता। और मैंने आके खाना बना लिया पापा का मनपसंद, क्योंकि मन तो नहीं है पापा को भेजने के लिए। ये देखो हमारे पापा, पापा चले जाएंगे, पापा याद आएगा कि नहीं, उतऊ का बहु अभी भी ज्यादा है, देखो पापा को देखो हमारे हैंडसम, बहुत आदर कर लू, बहुत बने लू, बहुत 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 बेटी जैसा। और पापा का मनपसंद खाना बनाया मैंने, पूड़ी और पनीर, गरम गरम पूड़ी और पनीर बन गया है मस्त वाली। चलो पापा खाओ। अब पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और मम्मी करती है बेटा को, मेरे को करती है पापा प्यार, दोनों को करते हैं, दोनों को प्यार करते हैं, दोनों लोग मिलके हम दोनों तीनों को बहुत प्यार करते हैं। अब तो छोटा वाला आ गया, और ज्यादा प्यार करते हैं छोटे वाले को। चलो खा जा, खाना खाना खाओ, शुरू करो। लेडीज रुमाल है तो का हो गए, रुहाते तो पूछे के बाद हर जगह तो रुमाल है, ये कौन जूस है ये? देखो ये ना मम्मी का आपके लिए याद के लिए निशानी है, मेहरारू का। हाँ पापा, मम्मी का याद आएगा ना, रुमाल देख के याद आ जाएगा। हाँ ये हम रख नहीं सकते, मम्मी याद नहीं करेगी। मम्मी याद नहीं आएगा पापा का, कौन देती है? मैगी। मैगी देती है। कौन देती है मम्मी? मम्मी बोलती थी मैगी को मगी मगी, वही हम बोलते हैं। इधर तैयारी हो रहा है पापा का, पापा जाने की तैयारी कर रहे हैं एकदम। पापा का 9 बजे का ट्रेन है, टाइम हो रहा है अभी 7:20, अभी हम लोग 8 बजे करीब निकलेंगे। पापा एकदम, मम्मी एकदम पैकिंग सैकिंग कर रही हैं पापा का, और इधर हमारे छोटे मियाँ लेटे हुए हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देखते हुए हाँ अपना ब्लॉग देख रहे हैं बैठे बैठे। अली लड्डू, चुपचाप हो जाता है करके। हाँ ये नींद के फिराक में है फिर से, हैं क्या क्या चल रहा दिमाग में हैं लड्डू? अब उसका वो सुई लगा ना, उसको अब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा शायद। दवाई दे देना फीवर का, रात में दे रहा है ना, अगर फीवर नहीं आएगा तब। हाँ अभी तो शांत है, अभी चलो चाय पी लेते हैं। हाँ जल्दी लाओ, मैं फोटोकॉपी करा के लाता हूँ। ये मेरा, हाँ इवनिंग का चाय बन के तैयार, अब हम चाय पियेंगे ठीक है। तो पापा थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाएंगे फिर निकल जाएंगे, क्योंकि बोल रहे कि दिन में खाना खा लिया इतना और मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, रात को भूख लगेगी। अगर रात को भूख भी लगेगी, रात को जब भी भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे, काफ़ी चीज़ें मैंने डाल दिया है, और चाय पी लेते हैं। जा जा, किशु को दादा छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जा, अब अब कौन घुमाएगा तुमको? हैं? अलिए छोड़ के जाएगा नहीं, किसी ने मने नहीं किया। चल 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 पकड़ो। मम्मी का मन नहीं, अब दोनों इकट्ठा रह जाओ कुछ दिन के बाद, अब साथ में जाते।
पापा को लेके चले अब स्टेशन, और गोला आगे आगे जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग ऑटो करेंगे। मेरे साथ पीछे पीछे गोला आगे आगे हम लोग जा रहे हैं, ऑटो करके पहुँच जाएंगे। रात को तो ट्रैफिक नहीं होती, तो जल्दी हम सोचे थे मेट्रो से जाएंगे, फिर मेट्रो से नहीं जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। वहाँ चल चलते हैं। कहाँ लेट हो गए हम लोग, मेट्रो से जाएंगे। लग रहा लेट हो जाएगा, तो हम सोचे चलो मेट्रो से चलते हैं। पापा कितने संभाल के खड़े हैं। आजकल चढ़ जाते हैं, पूरा आदत हो गया है। चलो पापा चलो। पापा को लेके हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन, जहां से हम लोग पिकअप किए थे, आज वहीं पे जा रहे हैं छोड़ने के लिए। हाँ गोलू, यहां पे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए खड़े हैं, बहुत रश है प्लेटफॉर्म ट्रेन की टिकट। 9 बजे का ट्रेन है, देख रहे हैं हो जाएगा खाली। कितनी भीड़ है स्टेशन, पता नहीं क्यों इतना भीड़ है, बहुत भीड़ है। चलो पापा चले, पापा का अब ट्रेन छूटने वाली है, अब क्या करें। पापा को मन तो नहीं था जाने का, कैसा लगता, गाड़ी छूट गया, खुल गई गाड़ी, खुल गई गाड़ी, खुल गई। गए जब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि पापा को छोड़ दिए, बस हम निकल। चलो मन बिल्कुल नहीं मान रहा था, एक इतना दिन तो रहा ना, फील अजीब सा हो गया है। बस यही है, चलो तो गाइस पापा को हमने छोड़ के आगे, जिस तरह से आपने देखा होगा पापा चले गए हैं। घर आए तो
एक होता है ना घर में, अब हम पांच फैमिली थे तो एक साढ़े चार थे तो एक कम हो गए तो अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए थोड़ा सा घर में सब माहौल ऐसा बन जाता है। फिर एक दो दिन ठीक हो जाए, पापा तो आ ही जाएंगे एक दो दिन फिर से, और आते ही थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिया हमने, उसके बाद अब जा रहे हैं सोने। वीडियो को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और सब ठीक है, सब बढ़िया। तो चलो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बोलो ठीक है गाइस, तो फिर खाइए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूले। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।